हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है सोयाबीन। इसमें मैं डालूँगी 4 लहसुन की कलियाँ और 2 प्याज आधे आधे टुकड़े में कट करके डाल दूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टमाटर और इसके अंदर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल लेंगे। 1 हरी मिर्च डाल लेंगे, देखिए। और इसके अंदर मैं 2 ग्लास पानी डाल दूंगी और इसे अब हम चलते हैं गैस पे रख देंगे। इसे उबालने के लिए रख देंगे, इससे सोयाबीन भी नरम हो जाएगा और ये जितना भी हमने इसमें चीज़ डाला है ये सब नरम हो जाएगा, तो हमें पीसने में आसानी होगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने चावल धो के इसे बस रख लिया है पानी डाल के। थोड़ा सा इसे भिगाना नहीं है, सिर्फ उसी टाइम धो के रख लेना है। देखिए यहाँ पे अब उबाल आ गया है और हमारे सोयाबीन भी अच्छे से नरम हो गए हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसे बंद करके और इसे अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं टमाटर निकाल लूँगी और ये मैंने जितने भी प्याज डाले थे प्याज निकाल लूँगी। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने डाली थी सब हमने निकाल ली है। अब हम इसे पीस लेंगे अच्छे से बिना पानी डाले हुए मिक्सर में। तो यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ और ये 2 अंडा है और ये आलू है कटा हुआ, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसके अंदर मैं लाल मिर्च और धनिया डाल के मिला लूँगी। इस तरह से मिलाने से तेल में मसाले नहीं रह जाते हैं और इसमें फ्लेवर भी अच्छा आता है। देखिए मैंने मिला लिया, अभी हम इसे तल लेंगे अच्छे से। मैं इसे लाल होने तक तल लेना है और जिससे अंडे पे और आलू पे दोनों पे अच्छे से कोटिंग आ जाए। देखिए यहाँ पे अच्छे से हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम तड़के के लिए लेना पड़ेगा ज़ीरा, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्च और कड़ी पत्ता मैंने ले लिया है और 1 तेज पत्ता लिया। इसे तड़के में डाल देंगे तेल में और इसी में मैं डाल दूँगी हल्दी, मिर्ची और जो हमने मसाला पीस के रखा है वो भी साथ में डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। हम ज़्यादा भूनना तो नहीं है, बस तेल छूटने तक थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर सोयाबीन डाल के और नमक डाल के भूनेंगे। देखिए मैं नमक डाल रही हूँ, अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए। इसे अच्छे से साथ में चला लीजिए और फिर जो हमने सोयाबीन रखा था उसे ड्रेन करके उसका पानी निचोड़ के मैंने इसमें डाल दिया है और इसे भी मसाले के साथ भून लेंगे। और साथ ही में हम इसमें आलू डाल लेंगे, अंडा भी नहीं डालेंगे, आलू डाल लेंगे और साथ में इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चला लेंगे। और उसके बाद जो मैंने चावल भिगा के रखा है वो चावल भी साथ में डाल लेंगे। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा चावल को भून लेंगे जिससे इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। डायरेक्ट पानी डाल के भी आप लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने किचन किंग मसाला डाला है। देखिए अच्छे से चला के इस पर मैंने पुदीने की पत्तियाँ डाल दी है और अब मैं इसके अंदर गर्म पानी, जितना चावल है उससे दुगना पानी गरम करके मैं डाल देती हूँ और इसे ढक के हम रख देंगे। इसके अंदर अभी हम 2 मिर्ची डाल देंगे और उसके बाद में हम इसे चला के अच्छे से ढक देंगे। और ढकने के बाद जब उबाल आ जाएगा अच्छे से, देखिए अच्छे से चला लूँगी। यहाँ पे पानी सूख गया, अब इसके अंदर थोड़ा सा अभी चावल में कसर है, तब हम इसमें जो अंडा हमने बॉईल किया था वो अंडा इस तरह से बीच में हम डाल देंगे और इसे ढक देंगे, कवर कर देंगे। जब तक चावल अब पक नहीं जाएगा इसे हम दम पे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा चावल पक गया है और हमने निकाल लिया है इसे। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें।